गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः सः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानवीय व्यक्तित्व अनंत संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। वो ईश्वरीय गुण जो जन्म देने से पहले ईश्वर ने इसके अंदर छुपा करके रखे हुए हैं, उन्हीं सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए उस पोटली को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व को व्यक्ति जितना आकर्षक समझ लेना, जो शब्द बोला है आकर्षक, आकर्षण फंसाता है, परंतु यहां पर यह कह रहा हूं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जितना आकर्षक बनाएगा वो दूसरे के हृदय पर, सामने वाले के हृदय पर राज करेगा। सद्भावनापूर्ण जो व्यवहार है जब उसके अंदर जागृत होगा तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ती चली जाएगी और समाज पर उसके कर्मों की, उसके व्यक्तित्व की छाप पड़ती चली जाएगी। हो क्या गया है आज के समय पर? बुराइयां व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इतनी चढ़ी हुई हैं कि व्यक्ति उनका फायदा उठाना चाहे तो नहीं उठा पाता। अब बात एक मूल बात आती है, अपने व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई उन प्रतिभाओं को कैसे निकाला जाए, एक ही बात पर आकर के टिका जाता है। सारा अध्यात्म यही है, इसी पर टिका है, आपको कहीं से कुछ नहीं लेना। अर्थात अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। समय, स्वभाव, परिस्थितियां, आदमी इनके अधीन हो गया है, आदमी सुख भोगी हो गया है और इसी के कारण आदमी स्वार्थी हो गया है। कैसे निकला जाए इस स्वार्थ से बाहर, कैसे निकला जाए, तो कान खोल करके सुन लीजिए, सिर्फ एक ही चीज आपको बाहर निकाल सकती है, वो है आपके आंतरिक गुणों का जागरण। कल ये लड़का शुभम शाम को मेरे से यही बात पूछ रहा था। संस्कार के अंदर छुपे हुए जो दोष हैं उन्होंने हमारी प्रतिभाओं को दबा करके रखा हुआ है। जैसे जैसे, मैं यहां बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा,
ईश्वर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं आपके अंदर निहित हैं। हमें संसार में रह करके उन प्रयत्नों को करना पड़ेगा जिससे आपकी विशेषताएं जग जाएं, और कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही चीज है, अपनी विशेषताओं को जागृत करना, बस और कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है। हमें उस स्तर पर आना होगा, अपने सोच को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को उस स्तर पर लाना होगा कि जिससे हमारी प्रतिभा निखरने लग जाए। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास किया जाए तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर जाकर के पड़ता है। अंतर केवल एक है, नियमितता। नियमितता इसका अंतर है, और नियमित होने के लिए अनुशासन, नियमित होने के लिए अनुशासन। हर कर्म अनुशासन से बंधा है, उसका एक अनुशासन है, उस अनुशासन में बंध करके हमें उस कर्म को करना होगा। सोचो, जो बोला जा रहा है उसके बारे में जरा चिंतन करिए, सोचिए। हम अपनी किसी प्रतिभा का जागरण करना चाहते हैं, अब यहां पर रुकना होगा, किस प्रतिभा का जागरण करें? मैंने एक बार कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। अगर 3200 को ही हम आत्मसात करने के लिए लग गए तो ये जीवन हमारे लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो विशेषताएं पहले से जागृत थीं, वो उतना बड़ा काम कर गए, वो उतना बड़ा काम कर गए। अब आप सवाल कर सकते हैं, कैसे कर गए? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने व्यक्तित्व को अपने गुरु के व्यक्तित्व में ढाल दिया था, और दोनों में समरूपता पैदा हो गई थी। बहुत अच्छे से समझ लेना, जिस स्तर पर गुरुदेव ने जन्म लिया था वहीं से अपने आप को अपने गुरु के स्तर पर ढालना शुरू किया, और उसके लिए जो तपस्याएं उन्होंने की उसके बारे में बखान करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के द्वारा वो वहां तक पहुंचे। हमें भी एक काम करना होगा, अपने व्यक्तित्व में निखार लाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 किताब लिखी हैं वो तो जमाने के लिए लिखी हैं, संसार के लिए लिखी हैं, पर मेरे लिए तो वो ही है जो मुझे चाहिए। मेरे लिए वो है जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत है। और जरूरत क्या है? जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं, संसार की सारी संभावनाएं मेरे ऊपर काम नहीं कर रही हैं, परंतु मेरे ऊपर जो काम कर रहा है वो मेरा भाग्य काम कर रहा है। मेरी सोच, मेरा स्वभाव मेरे ऊपर काम कर रहा है। अगर मुझे चाहिए तो वो ज्ञान चाहिए
जिससे मेरा ये स्वरूप बदलना शुरू हो जाए, मेरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाए, उसी ज्ञान की मुझको आवश्यकता है। जिस ज्ञान की मुझे आवश्यकता है, उसकी बारीकी से बारीक और गहराई से गहराई को मुझे आत्मसात करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, आपका वर्तमान आपसे क्या कह रहा है, या किस दौर से आपका वर्तमान आपको गुजार करके लेकर के जा रहा है, उस समय की परिस्थितियों में आपको कैसे ऊंचा उठना होगा। परिस्थितियां यदि आपको गिरा रही हैं, तो ऊंचा उठने का साधन आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क की प्रेरणाओं पर, मन चलता है, और मन की प्रेरणाओं से इंद्रियां चलती हैं, और इंद्रियों की प्रेरणाओं से संसार में कर्म होते हैं। ये संसार इन तीन प्रकोटों में बंधा हुआ है क्या? भौतिक संसार तो हमको समझ आता है, परंतु आत्मिक समझ नहीं आता। सुधार कहां से आएगा, भौतिक से या आत्मिक से? आत्मिक को भौतिकता में उतारना पड़ेगा, आत्मीयता को भौतिकता में उतारना पड़ेगा, और उतारने के लिए चाहिए गुण, प्रतिभा। हाँ बेटा, जब आप अपनी आत्मिक शक्तियों को उभारने लगेंगे, तो साक्षात उसका परिवर्तन आपको भौतिकता में दिखाई देने लग जाएगा। आज आदमी स्वार्थ के कारण प्रलोभनों से ग्रसित हो चुका है। स्वार्थ के कारण प्रलोभनों से ग्रसित हो चुका है। वो प्रलोभन उसके ऊपर, उसकी चेतना के ऊपर सवार हो चुके हैं। अगर उन प्रलोभनों को उतारना है, तो केवल एक ही चीज है, सबको हटा दीजिए, एक ही चीज है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। दृष्टिकोण का परिवर्तन, जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, मैंने कहा अभी कुछ ही देर पहले, हर कर्म पर एक अनुशासन काम करता है। तो मेरी दृष्टि पर नहीं करता, मेरे मन पर नहीं करता, मेरी इच्छाओं पर नहीं करता, जो मैं चाहूं वो हो, जो मैं चाहूं वो हो। इसलिए वो नहीं होगा, उससे मेरा भला नहीं होगा। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, और जिस आधार पर पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जब तक उसका उल्लंघन नहीं करेगी, तब तक वो सहज रूप में चलती रहेगी। और जैसे जैसे उल्लंघन शुरू होगा, वैसे ही वैसे बाधाएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आदमी को बाधा तो दिख रही है, परंतु उसका हल नहीं दिख रहा। हम में से हर कोई ग्रसित है, उल्लास भरा जीवन, वो हिम्मत कि हम कुछ भी कर जाएं,
वो आज आदमी के पास नहीं है। आदमी बुझते हुए दिए की तरह से फड़फड़ा रहा है और अपने जीवन को जैसे तैसे करके धकेलता हुआ चला जा रहा है। कल एक कार्यकर्ता ने मुझसे बात की, बात करने पर बड़ा चिंतन किया, बात करने पर बड़ा चिंतन किया और ये सोचा ये सब हो क्या रहा है। कोई करना चाहता है तो ना कर समय उसको करने नहीं दे रहा। मैं तो ये कहूंगा आप में से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो एक एक बात को मानते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, परंतु समय और परिस्थिति आपको नहीं करने दे रही। और दोबारा से कहता हूं, परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक साधक साधना से रगड़ा नहीं जाएगा। बोलिए, बार बार के रिपीटेशन से हमारी सोच में परिवर्तन आता है और जैसे जैसे सोच में परिवर्तन आता है परिस्थितियां वैसे ही वैसे बदलती हुई चली जाती हैं। अब मैं ये एक बात चाह रहा हूं, सारे के सारे प्रज्ञामंडल निष्क्रिय हो गए। प्रज्ञामंडल तो एक शरीर है परंतु उसके अंग अवयव निष्क्रिय हो गए। अगर सबके अंदर एक जोश होता तो प्रज्ञामंडल जवान होता। मैं उस जड़ता को निकालने की बात सोच रहा था कल से, जब से उस कार्यकर्ता ने मेरे से बात की है तो मैं उस जकड़न को दूर करने की बात सोच रहा हूं, कैसे उस जकड़न को दूर किया जाए, क्योंकि काम तो करना चाहता है, छोड़ के तो नहीं जाना चाहता। परिस्थितियों ने उसको पकड़ रखा है और वो तभी छूटेगा जब उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन पैदा होगा। रविवार को जो मैं प्रोग्राम देता हूं, मेरा ये मन है जितने युवा हैं वो सब मेरे पास आए, क्योंकि जोश वहीं से आएगा। और यहां मैं युवा उन 15 साल से और 30 साल के बूढ़ों को नहीं कह रहा हूं। मैंने बूढ़ा उनको कहा है जिसमें जुनून ही नहीं है वो बूढ़ा है, और जिसमें कुछ करने का मादा है, भगवान के लिए कुछ करने का मादा है, वो जवान है। तो मैं सभी अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, मैं ये चाहता हूं सेपरेट प्रोग्राम रखना है तो मुझे सूचित करें, क्योंकि बगैर प्रलोभन के, बगैर स्वार्थ के संसार नहीं चलता। अगर किसी को कुछ मिलता है तो उस स्वार्थ में हर कोई काम करता है, परंतु अगर नहीं मिलता है व्यक्ति उसके प्रति लापरवाह हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। आप खुद लोग, आप सब लोग तय करिए, अपने अपने प्रज्ञा मंडल वाले सब तय करिए इस बात को
कि कहाँ कहाँ प्रोग्राम रखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो काम करना है, जहां आप कहेंगे वहीं आऊंगा। पर आवश्यकता है चिंतन के निखार की, जितना रगड़ोगे उतना ही निखरोगे, और जितना आपको बचाओगे, जितना अपने आप को छुपाओगे बचाओगे, उतना ही मैल चढ़ता जाएगा। क्योंकि क्रियात्मक पक्ष का समय हो चुका है, अब मैं उस तरफ को चलना चाहूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो गंगा विहार में आता ही हूं, सब वहीं इकट्ठे हो जाओ तो सबसे ही अच्छा है। फिक्स्ड प्रोग्राम है, सब आते हैं, जो आते हैं वो आते हैं, पर आपका भी जिम्मेदारी है, आपका भी कर्म है, सबको आना चाहिए। क्या एक सप्ताह में 7 दिन में आप 2-3 घंटे मुझे नहीं दे सकते? या मुझे कहने से मतलब है भगवान को नहीं दे सकते? ईसाई हैं, रविवार को सब चर्च में समय देते हैं, मुसलमान हैं शुक्रवार को सब मस्जिद में समय देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक लगाव भी है और बंधन भी है, वो उसको बंधन समझते हैं, आवश्यक समझते हैं। परंतु हमारे यहां इतनी छूट दे दी गई कि कोई कैसे ही करो, कैसे ही करो। ये छूट नहीं है, लापरवाही है, निकम्मापन है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बहुत अच्छा तो ये रहे गंगा विहार सब आ जाएं, जो निश्चित है। और ये भी अब की बार मैंने कहा था 10 बजे का समय है, क्योंकि दूर दूर से भी आते हैं, इसलिए मैं 10 आधा घंटे की छूट देता हूं, परंतु 10:30 बजे शुरू कर देता हूं, 10:30 बजे के बाद नहीं। अब मैं ध्यान की तरफ चलूंगा। अपने व्यक्तित्व को निखारना है उद्देश्य, अपने व्यक्तित्व के अंदर भरे हुए उन प्रतिभाओं को निखारना है, किसी एक को लेकर के चलेंगे। सांसारिक बुद्धि तर्क से परिपूर्ण होती है, अगर उसमें से तर्क निकाल दिया जाए तो वही आध्यात्मिक हो जाती है। गहरी लंबी श्वास, उगते हुए सूर्य का ध्यान, अपनी बुद्धि से सूर्य को देखिए, ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत्र, कोई तर्क नहीं, इतना बड़ा संयम, नियमितता, संयमशीलता, आत्मिक गुणों से ओतप्रोत, सब पर अपना तेज कृपा के रूप में बांटता है। सविता देवता का ध्यान, सविता के तेज से ओतप्रोत, ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, भावना,
मेरे ऊपर सूर्य की रश्मियां अपने प्रभाव को डाल रही हैं। मेरे स्वार्थ, मेरे दोष मिट रहे हैं। मेरा दृष्टिकोण पवित्र हो रहा है। जैसे शीशे को साफ करने पर चेहरा दिखता है साफ, ऐसे दृष्टिकोण को साफ करिए। गहरी लंबी श्वास, आत्मरस, आत्मरस, आत्मरस से सराबोर। आत्मरस जीव उसी का प्यासा है। आत्मरस ओ हिला दीजिए कंपन से सब कुछ, जो गंदगी है उसको तोड़ करके चूरा करके बाहर निकालना है, जड़ता को खत्म करना है, तोड़ना है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, स्वच्छ दृष्टिकोण। याद रखना, दृष्टिकोण तभी पवित्र होगा जब आपके हृदय से सबके लिए सम्मान निकलेगा। जैसे जैसे सम्मान निकलेगा वैसे ही वैसे आपका दृष्टिकोण साफ होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा
कि सब में आपको भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे, खेलता हुआ भगवान जीवन में आपको नजर आने लग जाएगा। शत्रुता, बैर, विरोध, अवरोध सब दूर हो जाएंगे। चालाकी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, धोखा नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जगाइए, हृदय को जगाइए। सबको सम्मान, सबको सम्मान। अगर कोई बुरा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो अपना कर रहा है, आपको सबको सम्मान। सब कुछ आपकी विचारधारा और दृष्टिकोण पर लंबित है। सब कुछ, इतना तो संयम आप कर ही सकते हैं कि किसी का अपमान और विरोध ना किया जाए। अगर अहंकार को गलाना है तो किसी को गरीब और छोटा ना समझा जाए। मैं किसी के महापैत नहीं, मेरी अंतर चेतना ही मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। किसी के महापैत नहीं, कर्म करने के लिए आया हूं। मेरा रिश्ता मेरे कर्म के साथ है। अपने कर्म के विमुख ना हो, अपने कर्म को बोझ ना माने, अपने कर्म पर, कर्म को करते हुए किसी पर एहसान ना जताएं। ओ
व्यवहारिक ध्यान, ध्यान भी व्यवहारिक कर दिया। अगर आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, उस अमृत रस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी की आलोचना निंदा मत करिए, जो कर रहा है उसी को ऊपर छोड़ दीजिए। किसी की आलोचना निंदा नहीं, सिर्फ अपने कर्म पर नजर रहे। भिन बिना दीजिए इसे मस्तिष्क में से, उसको उखाड़ने के लिए, दृष्टिकोण को पवित्र करने के लिए उखाड़ दीजिए उन सब चीजों को। ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ध्यान में उतारिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय ध्यान में उतारिए, असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय है। परिवर्तन परिवर्तन, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपनी अपनी सब सलाह कर लें। ऐसा ना हो गूंगे हो करके बैठे रहें, सब अपनी अपनी सलाह करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप